हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ दाल मोठ की रेसिपी, जो कि स्ट्रीट स्टाइल में है। बिल्कुल, यहाँ देखिए, हमने दाल मोठ ले लिए हैं। यहाँ हमने 2 दिन पहले इसको पानी में भिगो के रखा था और फिर एक कॉटन के कपड़े में बांध दिया था। ये देखिए, इसके कितने अच्छे ये किल्ले निकल चुके हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती है। यहाँ बर्तन में हमने 2 ग्लास भरकर पानी डाल दिया है और हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू कट करके वो भी डाल दिया है बॉईल होने के लिए। थोड़ी देर बाद हम इसमें दाल मोठ ऐड करेंगे। अब यहाँ हमने 1 टेबल स्पून नमक ले लिया है। उसके बाद जब थोड़े आलू गल जाएंगे, हम यहाँ पर दाल मोठ बॉईल करने के लिए रख देंगे। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, वरना ये स्टिकी हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमारी दाल मोठ गल चुकी है। अब हम इसे छन्नी में छान लेंगे। अच्छे से उबाल आ गया है इसमें, ये देखिए, सारा पानी हटा लेना है। ये देखिए, खिली खिली एकदम। यहाँ हमने सब्जी ले ली है, एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, 2 गाजर ले ली हैं, 2-3 हरी मिर्च ले ली हैं, 2 टमाटर और खीरा ले लिया है। इन सभी को हम उसमें मिला देंगे। यह ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता है, हेल्दी नाश्ता है। यहाँ हमने कुछ मसाले लेने हैं। यहाँ हमने कुटी हुई मिर्ची ले ली है 1 टेबल स्पून, काला नमक 1/2, चाट मसाला और गरम मसाला, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, बट नाश्ते में थोड़ा लाइट ही लेना चाहिए। इसको आप नींबू डालेंगे अच्छी तरह, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब इसको सभी को हम मिला लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मैं आपके लिए बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी लाती रहूँगी, जो कि जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है, जो कि आपके बच्चों को बेहद पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।